जय हिंदुस्तान ने मातरम। जैसा कि हम लोग पहले दिन से बात कर रहे हैं कि गदर अपने नाम काफी सारे रिकॉर्ड्स करने वाली है, तो ऐसे में जब अभी उसने कल 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा सबसे तेजी से पार करने का हिंदी सिनेमा में रिकॉर्ड बनाया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होने वाली फिल्म का, वो अब गदर 2 के नाम हो चुका है। सबसे तेज 500 करोड़ रुपए से कमाए हैं। हालांकि शाहरुख खान के पठान के रिकॉर्ड को अभी भी तोड़ने से वो दूर है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भाई गदर 2 के पास अभी भी काम करने के लिए काफी कुछ बचा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, काफी सारे रिकॉर्ड हैं जो गदर 2 ने बना दिए, उनमें से कुल 10 रिकॉर्ड मैं आपको अभी बताता हूं, उसके बाद हम लोग कलेक्शन की बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले गदर 2 ने एडवांस बुकिंग में सिंगल स्क्रीन थिएटर से पठान की एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके बाद गदर 2 सबसे बड़ी ओपनिंग सीक्वल वाली फिल्म बनी है और इसका रिकॉर्ड भी इसी के नाम दर्ज है, मतलब कोई सीक्वल मूवी ने सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करी। गदर 2 ने रिलीज के तीसरे दिन 51 करोड़ का सबसे ज्यादा कलेक्शन कर पठान बाहुबली जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ा था, मतलब कि इसने सबसे ज्यादा तीसरे दिन का कलेक्शन निकाला था। गदर 2 ने अपने रिलीज के पहले दिन शाहरुख खान की पठान से ज्यादा ऑक्यूपेंसी दर्ज करी थी। ऑक्यूपेंसी मतलब जो नंबर ऑफ पीपल मूवी देखने के लिए पहुंचे थे। गदर 2 ने रिलीज के पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 40 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था और इसी के साथ ये फिल्म साल 2023 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई थी। पहले नंबर पर पठान है। गदर 2 ने केवल 3 दिनों के अंदर आइकॉनिक 100 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली थी। सनी देओल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी ये बन गई थी तीसरे ही दिन। इसके अलावा गदर 2 रिलीज के 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली सबसे तेज फिल्मों में से एक बनी। फिल्म ये अचीवमेंट 27 अगस्त को हासिल किया। इसी के साथ पठान जिसने कि 18 दिनों में आंकड़ा हासिल किया था और बाहुबली 2 जिसने कि 20 दिनों में आंकड़ा हासिल किया था, इनके रिकॉर्ड को तोड़ा था। सिर्फ एक दिन के लिहाज से तोड़ा था पठान का, लेकिन तोड़ा तो था। गदर 2 को खचाखच भरी स्क्रीनिंग के साथ आधी रात के बाद छोटे थिएटर्स में दिखाए जाने वाली पहली हिंदी फिल्म होने का भी गौरव हासिल है। इसके अलावा गदर 2 रिलीज के 21वें दिन 8 करोड़ का कलेक्शन कर पठान का रिकॉर्ड तोड़ा था। ये सबसे बड़ा कलेक्शन था और रिलीज के 21वें दिन भी इसने 5 करोड़ 95 लाख रुपए कमाई करी थी। वहीं अब गदर 2 ने रिलीज के 24वें दिन सबसे तेजी से 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है और इसी के साथ फिल्म ने पठान और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पठान ने 28 दिनों में 500 करोड़ के क्लब में एंट्री करी थी सबसे तेज और बाहुबली 2 को ये रिकॉर्ड हासिल करने में 34 दिन लगे थे। ये मैं हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सारी लैंग्वेजेस की नहीं। इसके अलावा एक रिकॉर्ड और इसने बनाया था, वो ये था कि लगातार 6 दिनों तक 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने का रिकॉर्ड। तो भाई यहाँ पर गदर 2 के पास में अचीवमेंट्स की भी तो कोई कमी नहीं, ये बात एक हमको समझ में आ गई है और विशेष तौर पर दिखाई भी दे रही है। और ये एक काफी ऐसा रिकॉर्ड था जो कि हिंदी सिनेमा के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी था। अब अगर हम कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो आप कलेक्शन देख रहे हैं वीक 3 का, ये 63 करोड़ रुपए का जिसने कलेक्शन किया था, मैं आपको ये बता दूं कि ये कलेक्शन भी अभी तक की रिलीज हुई मूवीज के मामले में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कलेक्शन है। बाहुबली ने अपने तीसरे हफ्ते में 69 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वहीं पर गदर 2 ने अपने तीसरे हफ्ते में 63 करोड़ का कलेक्शन किया है। आगे बढ़कर अगर हम बात करें तो यहां से इसकी 500 करोड़ की जर्नी भी शुरू हो गई थी। पहले मंडे शुक्रवार को इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया, उसके बाद शनिवार को भी 5 करोड़ का, रविवार को थोड़ा जंप जरूर देखने के लिए मिला 7.8 करोड़ का, कल यानी कि सोमवार को इसका कलेक्शन डिप जरूर हुआ 2.5 करोड़ पर गिरा है और आज इसका कलेक्शन थोड़ा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है 3.19 करोड़ का। लेकिन इसने अपने रिलीज के 24वें दिन ये 500 करोड़ का जो आंकड़ा था वो बहुत कंफर्टेबली पार कर लिया था। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि भैया ये मूवी आज 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, ये हम लोगों ने 24वें दिन ही डिस्कस किया था और हुआ भी भाई। तो ऐसे में अब इस मूवी का कुल जमा कलेक्शन जो है वो 506 करोड़ रुपये पहुंच चुका है, जो कि काफी हेल्दी और काफी बल्की कलेक्शन है और इसी के साथ इसने कई सारे रिकॉर्ड्स को भी ध्वस्त कर दिया जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो अब सीधी सी बात है, जब हम किसी मूवी के 26वें दिन भी उसके कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स तो बनाई रही है, तभी हम लोग उसके कलेक्शन की बात कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद जय भारत।